देखिए, मैं दो पंक्ति से अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि जिंदगी में सब कुछ आसान लगने लगता है। जिंदगी में सब कुछ आसान लगने लगता है जब भाई कह देता है कि तू डर मत, मैं हूं ना। जो मूल रूप से भारत से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे तीन जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां पर जो अल्पसंख्यक की गिनती में आते हैं, और जो 2014 31 दिसंबर के पूर्व, उचित भैया ने भी बड़ा अच्छा बताया कि उसके पहले के जो लोग शरणार्थी बन के भारत में जो शरण मांगे थे, उनको नागरिकता देने का कानून ये स्पष्ट तौर पर है। इसमें किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये भी मामला स्पष्ट है। और जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, मूल रूप से भारत भारत के साथ वो जुड़े हुए लोग हैं। उनके पास और कोई स्थान अभी है भी नहीं, और भारत में वो है। तो ऐसे लगभग लगभग 31,000 से ज्यादा लोगों की नागरिकता देने के विषय में ये कानून आया हुआ है। और इसमें प्रमुख मुद्दा जो था वो पुनर्वास और नागरिकता की जो कानूनी बाधाएं थी उनको दूर करना, और दशकों से जो शरणार्थी जो है सम्मान, उनको जो पीड़ित रहे, उनको सम्मानजनक जीवन प्रदान करना, उनकी सांस्कृतिक, भाषिक और सामाजिक पहचान की रक्षा कर पाए, और साथ ही आर्थिक आर्थिक और व्यावसायिक और संपत्ति खरीदने के अधिकार जैसी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, अधिकार उनको मिल जाए, ये सारा था। लेकिन देखिए कितना इसके बारे में दुष्प्रचार किया गया कि इससे नागरिकता छीन ली जाएगी, इसमें तो ऐसा होगा वैसा होगा, और बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम जो है पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम उस वादों को संवैधानिक तरीके से लेकर के आए हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं धार्मिक आधार पर, उनको यहाँ पर उस व्यवस्था के अंतर्गत, सीए के अंतर्गत नागरिकता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इसमें बड़ा सामान्य सा है, लेकिन अब